गुड आफ्टरनून दोस्तों गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी के सभी कैसा चल रहा है सब कुछ कैसे चल रही है पढ़ाई सर प्लीज पेंटिंग का पी मूड स्विंग जी करेंगे शेयर करेंगे काहे को टेंशन ले रहे हो मैंने एक साथ वो सारे के सारे शेयर करे थे ना दो सेशन के तो इसके भी कर देंगे टेंशन क्यों ले रहे हो टेंशन मत लो कर देंगे आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए वैसे नाम बहुत सही है मूड स्विंग्स है ना कैसे हैं दोस्तों प्रणाम सभी को आदा सभी को सत्या अकाल आप सभी को इतना वेट करते हुए वे देखा तो एक कहानी याद आ गई जब मेरे सेशन एक बार क्या हुआ एक बार मेरा सेशन ऐसे शेड्यूल्ड था और रात के समय मतलब वैसे सेशन कब होना था सुबह होना था वो सेशन और रात के समय पे दोस्तों काफ़ी क्या हुआ उस पर दो लोग वेटिंग थे रात के समय क्या कहा भैया इतना तगड़ा तो कुछ हम पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक है ठीक है जो सारे के सारे लोग आ, कह रहे हैं सबके सब वेट सब कर रहे हैं मैं गया वहाँ पे तो कुछ दो बालक बालिकाएं थे देवी व देवतागण उन्होंने चैट करने का वो जरिया सोच लिया था वहाँ पर वो चैट कर रहे थे मैंने कहा वाह अब समस्या क्या हुई वो बात तो कर रहे थे अब धीरे धीरे क्या हुआ प्रॉब्लम क्या होने लगी एक बड़े दो बड़े लोगों को लगा भाई यहाँ पर वेटिंग है वेटिंग वेटिंग वेटिंग, वेटिंग। लोग और बढ़ते गए उनके साथ प्रॉब्लम क्या उनकी बात में विघ्न पड़ गया विघ्न पड़ गया ठीक है तो ऐसी यह चीज़ ध्यान आ गई तो मेरा नाम प्रशांत तिवारी है मैं लगातार ऐसे कई सारे सेशंस लेक्चर्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ नमस्ते दोस्तों आदाब सत सस्काल कैसे हैं आप सभी के सभी सभी को नमस्ते प्रणाम सभी को नमस्ते सभी को प्रणाम ठीक है ठीक है तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं मेरा नाम प्रशांत तिवारी आप सभी जानते हैं और आज शाम को दोस्तों छः बजे अगर आप कहेंगे इस टाइम को प्रीपोन करने का तो कहोगे तो चार बजे भी रख लेंगे लेकिन शाम को अभी जो शेड्यूल्ड है शाम को छः बजे सिक्स पीएम पर हम पूरे के पूरे पार्लियामेंट का एमसीक्यू के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत करो लक्ष्मीकांत का जो तो पार्लियामेंट चैप्टर है उसको हम क्या करने वाले हैं शाम को छ बजे करने वाले हैं अगर आप सभी के सभी कहेंगे तो चार बजे रख लेंगे सर जी सेवेंटी सेवन भी है क्या जी सेवनटी सेवन दोस्त मतलब मैं समझा नहीं जी सेवन सेवन समझा नहीं एक सेकेंड कमेंट जी सेवेंटी सेवन लार्जेस्ट वो गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहे हो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हो क्या जी सेवेंटी सेवन के बारे में वो वाला पूछ रहे हो हाँ जी सेवेंटी सेवन है दोस्त मुझे लगा कुछ आप पूछ रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन का एक कोलेशन है लार्जेस्ट इसे इंटर गवर्नमेंटल कोपरेशन बोला जाता है हाँ हाँ शुभम हाँ 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 मुझे लगा आप क्या पूछ रहे मुझे लगा कुछ और पूछना चाह रहे हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट क्लियर नहीं थी क्योंकि यहाँ से रिलेटेड नहीं है तो जी सेवेंटी सेवन है दोस्तों इंडिया इसका मेंबर बना है तो याद रखिएगा इसको जी सेवनटी सेवन अब ये मत करिएगा कि जी सेवनटी सेवन के सारे के सारे मेंबर्स के बाद याद करने लगेगा जी सेवेंटी सेवन होता है तो, हाँ, तो एक बार, वोट करा दो चार बजे करना हाँ स्पेशल क्लास के अंदर में स्पेशल क्लास के अंदर में ऐप पर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का एमसीक्यू के थ्रू किसके थ्रू एमसीक्यू के थ्रू रिविजन करना है तो आप बताइए चार बजे करना है या कितने बजे करना है या छः बजे करना है फटाफट से बता दो फिर उसका मैं सेशन को शुरू किया जाए चार बजे करना है या छः बजे करना है गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैं बढ़िया एकदम सभी के सभी कैसे हो आप सबके सब मैं एकदम मज़े में हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं तो सर्च कर लेना आप सबके सब बता दीजिएगा दोस्तों बहुत ही शानदार ऑफ़र चल रहा है प्लस का कॉम्बो है फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर्टी रुपी में दोस्तों और टी आर ए एस एच ये कोड है आप सभी को इसको अप्लाई करना है इसमें जी एस भी मिलेगा ऑप्शनल मिलेगा टेस्ट सीरीज मिलेगी सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा चलो छः पी वाले ज़्यादा मेजोरिटी में हैं वोट जाता है छः पी दोस्त विवेक मैं प्लास प्लस पर जो क्लास लेता था वो मैंने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया दोस्त अभी मेरा आ, वहां पर नहीं होता है ठीक है वहां पर नहीं होता है हाँ तो छः बजे छः बजे हाँ हाँ समझ गया आप सबकी बात छः बजे ही कर रहे हैं छः बजे सिक्स पी एम ओनली ठीक है दोस्तों सिक्स शिक, पी एम ठीक है दोस्तों तो ये क्लियर है तो ये सारे का सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं पहले दोस्त वहाँ पर क्लास ले रहा था अब मेरे कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ जो वो वाली फ्री वाली क्लास होती है ना स्पेशल क्लास सिर्फ वही ले रहा हूँ अभी वहाँ पर ठीक है अभी प्लस का मेरा कोर्स नहीं है तो इंडियन डांस फॉर्म्स दोस्त एक चेकलिस्ट बनाए रखो दोस्तों एक बार शेयर कर दो बहुत कम लोग लाइव हो इतने कम लोग लाइव हो थोड़ा सा तो शर्म करें हम भी और आप भी कि एटलीस्ट थोड़े से तो और बढ़ने चाहिए हंड्रेड तो पार होना चाहिए अब बार बार के पार तो दोस्तों हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं UNESCO complete कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं अब हम करेंगे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मेरा विवेक कोर्स जो था ऑलरेडी करंट अफेयर्स का कोर्स था पिछले एक साल का वो ऑलरेडी क्रैश कोर्स में जो गुरुकुल वाला कोर्स था ना उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है तो थोड़ा सा दोस्तों सभी को दोस्तों ये नाम जो रह गए हैं सभी को कंचन सिल्क विवेक पल्लवी निकिता सुधाशिनी निधि पूजा संजना प्रतीक्षा सभी को नमस्ते आदाब सी सभी सभी खुश रहिए बहुत अच्छा लाइफ में एंजॉय करिए दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ मिल जाएगा पल्लवी टेंशन मत ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आगे मिल, बढ़ते हैं तो दोस्तों नाट्य शास्त्र एक बुक है प्लीज याद रखना दोस्तों ठीक है नाट्य शास्त्र एक बुक है किसके द्वारा लिखी गई भारत के द्वारा लिखी गई भारत मुनि जो थे उनके द्वारा लिखी गई है टेंशन मत लीजिए हाँ सब करेंगे अनिल टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह सब करेंगे देखिए जिन जिन को मैं एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ सभी को प्रणाम सभी को आदाब एक बार आप सुनिए पहली बात यूनेस्को वाली पीडीएफ में शेयर कर चुका हूँ दूसरी पीडीएफ किसकी रह गई है पेंटिंग की रह गई आज शाम को पेंटिंग की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जैसा कई बार क्या होता है पीडीएफ शेयर करने के लिए लैपटॉप का एक्सेस होना चाहिए कई बार लैपटॉप पास में नहीं हो पाता है ये एक प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद में जैसे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, होगा वो भी आपको मैं बस अब की कोई टेंशन नहीं लेने मेरे पास पहले पढ़ाई करो बस तो दोस्तों भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र जो लिखा दोस्तों उसके अंदर में कहानी है कि जो ब्रह्मा भगवान थे लोग उनके जो सारे के सारे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए कि थोड़ा सा पास्ट टाइम के लिए यानी कि थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हमें कुछ करने ही दीजिए तो उन्होंने क्या किया चारों के चारों वेद को एक साथ कंबाइन किया उसके कुछ कुछ हिस्से को और उसके बाद में फिफ्थ वेद क्रिएट कर दिया उसका क्या नाम दिया नाट्य वेद ठीक है ठीक है और डांस की कहीं पर अगर फॉर्मल रिकॉग्निशन फॉर्मल अगर उसके बारे में जिक्र होता है तो कहां पर होता है भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था उसके अंदर में होता प्लीज याद रखिएगा प्लीज याद रखिएगा इस चीज़ को टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर करेंगे अन अकेडमी अंडरस को प्रशांत तिवारी आप सबको मिल जाएगा टेंशन मत लो रिलैक्स करो बिल्कुल चिल करो ठीक है तो नाट्यशास्त्र शास्त्र भारत मुनि और आपको पता होगा जिस इस साल किसी ने अगर हरियाणा पीसीएस वाला एग्जाम दिया होगा एस सी वाला तो आप सभी को पता होगा वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बुक किसने लिखी तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र नाट्य शास्त्र किसने लिखी ठीक है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा इसको ठीक है क्लियर है अब आते हैं कुछ उन्होंने उस बुक के अंदर में कुछ एस्पेक्ट डिनोट किए हैं यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मैच फॉलोइंग करके सबसे पहला क्या लास् का मतलब क्या दोस्तों जिसमें grace हो देखिए आप इमेजेस देखिए ग्रेस भाव रस अभिनय का मतलब क्या एक्टिंग भाव का मतलब इमोशंस रस यानी कि उसके अंदर में जो फीलिंग्स हैं दोस्तों यह सारी चीजों को मिलाकर अगर कर दिया जाए तो इन सबको हम क्या बोलते हैं फेमाइन फीचर बोलते हैं किसके डांस। प्लीज याद रखिएगा ठीक है याद रखिएगा। पहले -पहले क्लियर है लास्ट से ये एस्पेक्ट है डांस के डांस के अंदर में जैसे तांडवा तो तांडवा क्या है वो क्रोध तांडव क्रोध जो एंगर को शो करता है क्या करता है एंगर को शो करता है थोड़ा सा ठीक है दोस्तों ठीक है क्लियर है जो एंगर और एंगर साथ में देखिए लाइक किसको फेमाइन फेमनाइन विमेन वाला और तांडव वाला एंगर थोड़ा सा मस्कुलिन वाला तो ये किसको शो करता है मेल मेल पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ठीक है दोस्तों ये चीजें याद रखिएगा एग्जाम के अंदर में आ सकता है मैज फॉलोइंग करके किसका मतलब क्या है अब दोस्तों इन तीन लाइनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग एक नृता नृता तो नृता क्या होता है दोस्तों डांस समझो दोस्तों डांस स्टेप्स को हम बोलते हैं निता। लेकिन इसमें कोई मूड नहीं है कोई खुशी नहीं है कोई गुस्सा नहीं है कोई एक्सप्रेशन नहीं है सिर्फ और सिर्फ डांस के फॉर्म्स को अगर देखा जाए तो उसको हम हम बोलते हैं निता। क्या बोलते हैं हैं क्या अब उन डांस फॉर्म के साथ में अगर हम कोई एक्सप्रेशन भी ऐड कर दें क्या कर दे? कर दें दें एक्सप्रेशन ऐड कोई स्टोरी कर दें तो उसको क्या बोला जाएगा नाट्य प्लीज याद रखना डांस स्टेप्स ओनली डांस स्टेप्स विदाउट एनी इमोशंस एनी मूड एंड नाट्य नाट्य क्या होता है दोस्तों नाट्य का मतलब क्या आपने सुना होगा नाटक नाट्य तो ये क्या ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टोरी प्लीज दोस्तों ये याद रखिएगा एग्जाम में ऑलरेडी दो बार क्वेश्चन आ चुका है नाट्य और नृता के बीच में डिफरेंस के ऊपर ठीक है तो याद रखिएगा नाट्य और नृता क्लियर है क्लियर है नाट्य और नृता अब आता है नृत्या क्या आता है नृत्या इसके अंदर में दोस्तों इमोशन एड कर देते हैं डांस फॉर्म भी है फेशियल एक्सप्रेशन भी है गुस्सा भी दिखाते हैं अलग अलग मुद्राएं भी इंक्लूड करते हैं उसको बोलते हैं नृत्य नृता, ओनली स्टेप्स नाट्य स्टोरी टेलिंग नृत्य ये क्या है सेंटीमेंट्स को इवोक करना इमोशंस को इवोक करना किसके थ्रू डांस के थ्रू प्लीज याद रखिएगा अभी तक किसी को भी कोई डाउट है यहां तक किसी को भी कोई डाउट है यहां तक बताइए दोस्तों किसी को भी कोई डाउट है नाट्य नृत्य नृत्य के अंदर में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए ठीक है अब नौ रस की बात होती है दोस्तों इसके अंदर में इमोशंस जिनको इमोशंस रस को तो जैसे आपने सुना होगा प्रेम रस वीर रस की कविताएं प्रेम रस की कविताएं ऐसे लिखते हैं ऐसे करके बोलते हैं ना वर्ड्स ऐसे करके तो नाइन इमोशंस हैं डांस के अंदर में जिनको एक्सप्रेस किया जाता है जैसे श्रृंगार रस तो श्रृंगार रस का मतलब होता है लव ये प्रेम ये तो आप अच्छे से समझ रहे हो सारे के सारे है ना फिर रौद्र रस रौद्र क्या है एंगर गुस्से के लिए विभस्त डिस आप सभी ने सुना होगा इसकी मैं विभत्सना करता हूं इसकी मैं आलोचना करता हूं घृणा करता हूं करता हूं करता ऐसा वर्ड सुना होगा ना तो ये क्या है घृणा करना ठीक है वीर हीरोइज्म प्लीज प्लीज याद याद रखिएगा रखिएगा इन इन सब सब क्या है सब ठीक है अगला क्या है शांत शांत रहना यानी कि पीस हास्य कॉमेडी करुणा करुणा का मतलब क्या दोस्तों थोड़ा सा आप किसी के प्रति भावना रखना करुणा वो अल ट्रेजिडी किसी के साथ हुई उसको

ठीक है क्लियर है अब हम करेंगे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में एक एक क्लासिकल डांस फॉर्म को हम देखना शुरू करेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को हम देखना शुरू करेंगे अब डांस जो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है गुरु शिष्य परंपरा जो क्लासिकल डांस फॉर्म है दोस्तों उसमें गुरु शिष्य परंपरा रहती है और दोस्तों अभी हमारे यहां पर कितने क्लासिकल डांस है आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कितने हैं दोस्तों एट कितने हैं एट भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथक कली मोहिनीअट्टम ओडिसी मणिपुरी कथक और सात्रिया प्लीज याद रखिएगा प्लीज याद रखिएगा इन सब ठीक है याद रहेंगे याद रहेंगे दोस्तों यहां तक कोई समस्या है किसी को आठ अब इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले करते हैं भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहां पर है तमिलनाडु कहां पर है दोस्तों तमिलनाडु ठीक है दोस्तों तमिलनाडु नाट्यम का मतलब तरह तमिल में अगर देखा जाए तो भरत क्या है भरत मुनि अभी बताया ना नाट्य शास्त्र भरत मुनि और नाट्यम क्या का मतलब क्या है तमिल के अंदर में डांस होता है दोस्तों ठीक है दोस्तों ठीक है क्लियर है क्लियर है तो याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर भरत नाट्यम तमिलनाडु भरत नाट्यम तमिलनाडु दोस्तों अब इस डांस फॉर्म का अगर ओरिजिन देखा जाए तो सादिर नाम के टेम्पल के अंदर में डांसर होते थे उनको सादिर भी बोला जाता था सादिर भी बोला जाता था सादिर भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में जो प्रोनशिएट करना हो आप कर सकते हैं प्लीज याद रखिएगा उनको डांसर बोला जाता था ठीक है दोस्तों और ये देवदासी भी इनको बोला जाता था ठीक है दोस्तों और यहीं से आया था दशियाट्टम यहीं से निकल कर आया था फिर भरतनाट्यम बन गया ये आगे जाके क्या हो गया फिर भरतनाट्यम आगे जाके बन गया ये चीजें लिंक करवाता जा रहा हूँ ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है बट साथ साथ मेरे अगर करते रहोगे तो समझ आता रहेगा इसके जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया उनका नाम क्या था ई कृष्ण अय्यर प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों और इनके ही समय के बाद में दोस्तों पहले क्या होता था सिर्फ महिलाएं इसमें डांस करती थी लेकिन कृष्ण अय्यर जी के आने के बाद से दोस्तों यहां पर मेल लोग भी आने लग गए और ग्रुप में इसमें डांस परफॉर्म होने लग गए ये कुछ चीजें हैं वो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भरत नाट्यम दोस्तों अब एक नाम जरूर याद रखिएगा रुकमणि देवी अरुण दलई प्लीज याद रखिएगा अरुणेल जिनको बोला जाता है रुकमणि देवी अरुणेल प्लीज याद रखिएगा दोस्तों भरतनाट्यम तो के सबसे प्रोमिनेंट फिगर में से एक हैं दोस्तों और इन्होंने मतलब कहते हैं ना थंजावर के चार डांसर्स ने भरतनाट्यम को एक अलग लेवल पर चले गए थे नाइनटीन सेंचुरी के अंदर में क्या नाम याद रखोगे रुकमनी देव अरुणेल प्लीज याद रखना दोस्तों ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है इनके कारण में भरतनाट्यम को अब कई सारे लोग कहेंगे सर ये भी ये नाम याद रखें हाँ भाई ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि दोस्तों आठ क्लासिकल डांस हैं यहाँ से हमारा कल्चर हमारी हिस्ट्री सब चीजें पता चलती हैं तो प्लीज याद रखना इस नाम को और चार जो उस समय पे कोच कह लीजिए वो हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों उन्होंने डांस फॉर्म अलग अलग इवॉल्व करी अलग अलग इनोवेट करी उनके बारे में देख लेते हैं अला रिप्पू क्या है अला रिप्पू क्या है अला दोस्तों। ये एक दोस्तोंटरी पीस ऑफ परफॉर्मेंस है जिसके अंदर बेसिक डांस पोस्चर होते हैं प्लस में रिदम में गाया जाता है ठीक है

ठीक तो है दोस्तों इट इज ए नेता जिसके अंदर में एक्सप्रेशन नहीं होते नेता सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं होते इसके अंदर ठीक है और इसके अंदर पोजेज होते मूव होते हैं बस एक्सप्रेशन लेस इसको क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन लेस क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन लेस दोस्तों ठीक है दोस्तों ये प्लीज याद रखिएगा जाति स्वरम अगला आता है शब्द शब्दम का मतलब वर्ड्स वर्ड्स यानी कि सॉन्ग को आप वर्ड्स में अभिनय कर रहे हो ग्लोरीफाई कर रहे हो भगवान को और बोल रहे हो मुंह से शब्द एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के अंदर में

दूसरा आता है पदम तो यह पदम क्या है दोस्तों पैर ठीक है दोस्तों समझिए इसको पैर ठीक है ये क्या है इसके अंदर में एक्सप्रेशन होता, होता है प्लस में स्पिरिचुअल मैसेज होता है म्यूजिक बहुत स्लो हो जाता है समझिए इसको बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और डांस के अंदर में ना इमोशन ज्यादा होते हैं इमोशन ज्यादा होते हैं एक में क्या होता है ठीक है म्यूजिक मतलब म्यूजिक तो एक तो चलता रहता है कि भाई म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है उसमें बस खाली डांस कर रहे हैं इसमें म्यूजिक स्लो हो जाएगा इसमें बहुत स्लो म्यूजिक के अंदर में क्या होगा आपका डांस की परफॉर्मेंस ठीक है दोस्तों क्लियर है पदम ठीक है दोस्तों क्लियर है है ठीक आगे जवाली आता है जवाली के अंदर में क्या होता है बहुत ही फास्टा ऐसे करके मतलब समझ रहे हो ना समझ रहे फिर आता थिलाना दिस इज वेरी ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका थिलाना क्या होता है जब परफॉर्मेंस कंप्लीट हो रही होती है तो उसका कंक्लूडिंग जो पार्ट होता है ना जैसे आप वे फॉरवर्ड लिखते हो कंक्लूजन उसको बोलते हैं प्लीज याद रखिएगा प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों क्लियर है यहां तक क्लियर किसी को कोई डाउट किसी को भी कोई डाउट है यहां तक किसी को भी कोई डाउट है अलग अलग डांस फॉर्म जो आए थे तो चार जो टीचर जिक्र किया था उनका नाम याद रखिए किनैया कोनैया वेद शिवनंदम प्लीज इन चारों के यहाँ नाम याद रखेगा इनको तंजोर क्वाटलेट भी बोला जाता है चौकड़ी बोला जाता है तंजोर की चौकड़ी जिन्होंने क्या किया था ये सारे के सारे भरतनाट्यम के अलग अलग डांस फॉर्म को इवॉल्व किया था दोस्तों प्लीज याद रखिएगा क्लियर है यहां तक किसी को भी कोई समस्या है किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है किसी को कोई भी समस्या हिलाना थिलाना ये हो गया डांस कंप्लीट हो रहा है कंक्लूड कर रहे हैं तो कंक्लूजन वाला जो हिस्सा होता है उसको थिलाना बोलते हैं थिलाना, ये देखिए थिलाना कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ द परफॉर्मेंस को बोलते हैं थिलाना ठीक है और इसके अंदर प्रियोर डांस होता है तो क्लियर है चलिए आगे आते हैं ठीक है दोस्तों तो इसमें मुद्राज होती हैं अलग अलग से और एक और चीज भरतनाट्यम के अंदर में एक और चीज ध्यान रखिएगा ठीक है भरतनाट्यम के अंदर में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपके लास्ट से भी होता है यानी कि फेमेन सॉफ्ट और प्लस में तांडव गुस्सा भी स्ट्रो होता है आपने कभी डांस अगर देखा हो डांस फॉर्म अगर कभी मूवी वगैरह में इमेजेस वगैरह में तो देखोगे इसमें एक्सप्रेशन बहुत होते हैं तांडव भी होता है यानी कि गुस्सा मेल फीचर भी होते हैं और फीमेल वाले फीचर दोनों के दोनों होते हैं इसके अंदर प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों क्लियर है क्लियर है ठीक है क्लियर है और यहाँ की एक सबसे प्रिंसिपल जो मुख है ये क्या है ओम बनाते हैं ऐसे करके ऐसे करके उंगली को करके ना ओम बनाने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं कतक मुखा हस्त उस सिंबल को प्लीज याद रखिएगा जो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा है दोस्तों नहीं होगा नेहा पल्लवी कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी टेंशन मत लो टाइम लगेगा ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा याद कर लेंगे टाइम लगेगा बट डोंट वरी याद हो जाएगा इसको जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं कैसे याद करा रहा हूँ आपको मैं थोड़ा सा चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ गा के भी सुना रहा हूँ डांस का कर एक्शन एक्शन भी कर रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कथक मुखा प्लीज याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पोस्चर होता है कथक मुखा ठीक है? है दोस्तों ये देखिए ठीक है दोस्तों प्लीज क्लियर है क्लियर है दोस्तों क्लियर है अब आते हैं कुचिपुड़ी अब हमने क्या कर लिया तमिलनाडु कर लिया ठीक है अब आते हैं कुचिपुड़ी अब देखो याद करने का मेरा एक तरीका है दोस्तों कई सारे लोग कई सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कुचिपुड़ी कैसे याद करें कुची पुड़ी मेरे मैं देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ आंध्र प्रदेश मैं किसी पे कोई इसे पर्सनली मत लीजिए कि मेरे याद करने का तरीका है वहां पे मैं पूड़ी तल रहा था जमीन पर गिर गई कुची पुड़ी आंध्र प्रदेश ये दोस्तों एक सेकेंड एक एक सॉरी एक... सॉरी 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 अरे आ, आ, मैं बोल के गया था रुक जाओ उसमें भी थोड़ा सा लोगों को लगा कि बफरिंग हो रही है ठीक है दरअसल क्या है घर पे कोई है नहीं तो, आ, तो वो बेल बज रही थी कॉन्टीन्यूस तो इसके कारण से मैं वहाँ पर गया था देखने के लिए ठीक है ठीक है ठीक है चलिए कोई बात नहीं जो जितने लोग जुड़े हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो मैं वही कह रहा था कि आप सबके साथ सब, तुरंत एकदम से सारे के सारे हो गए थे ठीक है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है इससे रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है दोस्तों प्लीज़ याद रखिएगा ठीक है दोस्तों ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों प्लीज याद रखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये याद करने का था तो मैंने तरीका आपको बताया था चलिए आगे बढ़ते ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सेवनटीन सेंचुरी के अंदर में सिद्धेंद्र योगी जी थे इन्होंने इसको बहुत ही इस सिस्टमेटिक वे में क्या किया था बहुत इसको ऑर्गेनाइज किया था इसको ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने एक बुक लिखी थी हाम कल्पम ठीक है और अदर प्लेज कई सारे प्लेज भी लिखे थे बुक के अंदर में प्लेज थे दोस्तों ठीक है और भाम कल्पम इसी के इन्होंने ही लिखा था प्लीज़ याद रखिए सिद्धेंद्र योगी प्लीज़ याद रखिएगा दोनों के नाम भामकल्पम सिद्धेंद्र योगी दोनों के दोनों नाम याद रखिएगा ठीक है दोस्तों प्लीज़ याद रखिएगा प्लीज़ याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उस पर कोई भी किसी को डाउट हो अभी तक कोई भी पूछ सकते हैं ठीक है और इसके अंदर में कुचिपुड़ी के अंदर में दोस्तों भागवत पुराण ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं मतलब इस ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसके अंदर में क्या होते हैं भागवत पुराण जो होते हैं ना वो इसके सेंट्रल थीम होते हैं प्लीज़ याद रखिएगा और इनको जो डांसर के अंदर में इसीलिए देखो समझिए ठीक है भागवत पुराण हो रहा होता है इसीलिए डांसर जो यहाँ पर करते हैं उनको क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है भगवल थगवल बोला जाता है जो डांसर इसके अंदर में डांस करते हैं प्लीज़ याद रखिएगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों क्लियर है अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कुचिपुड़ी भागवत पुराण के अंदर में होता है मैंने आपको बता दिया श्रीरंग श्रृंगार जो रस होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों अब आते हैं इसके अंदर में काफी सारी चीज़ें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए हाँ त्रिभंग भंगिमा तरंगम हस्तमुद्रा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बट आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं जिनको हम यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वे में कर पाएंगे यहाँ पर एक चीज़ होती है दोस्तों हर जो कैरेक्टर होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है स्टेज पर दारू 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 के नाम से क्या कहता है दारू के नाम से दारू के नाम से ठीक है वहां से इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो अपने आप में एक स्मॉल कॉम्पोजिशन होती है डांस और सॉन्ग की दोस्तों ठीक है दोस्तों और वो कैरेक्टर अपने आप को क्या करता है इंट्रोड्यूस करता है इस तरीके से दोस्तों प्लीज याद रखिए हाँ क्लास रिज्यूम हो गई है क्लास रिज्यूम हो गई है ठीक है तो इसके अंदर में लास से और तांडव दोनों के दोनों इसमें इंपॉर्टेंट हैं प्लीज याद रखिएगा कुचिपुड़ी के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों क्या है एक है मंदुक शब्दम मंदुक शब्दम क्या है आप में से अगर किसी ने भी पढ़ा होगा तो मंडूक शब्दम क्या होता है दोस्तों जो एक वो होता है ना मैंडक उसकी कहानी उसको बोलते हैं मंडूक मंडूक शब्दम उसकी कहानी को फ्रॉक की कहानी को बोलते हैं ठीक है दोस्तों तरंगम तरंगम क्या होता है एक ब्रास की प्लेट होती है ब्रास की प्लेट होती है उसके ऊपर में डांस किया जाता है बैलेंस करा जाता है डांस किया जाता है उसको बोलते हैं तरंगम प्लीज याद रखिएगा जो ब्रास की प्लेट है उसके ऊपर में और पॉट ऑफ वाटर अपने हेड पर रख के या सेट ऑफ को रख के फिर डांस किया जाता है प्लीज इसको जरूर याद रखना प्लीज डबल स्टार मार्क करो प्लीज याद रखो तरंगम तरंगम क्या है ब्रास प्लेट बैलेंसिंग पॉट प्लीज इन दोनों चीजों को वर्ड जरूर याद रखना भाई बस बस अब सभी की सही पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है जल चित्र नित्रम जल चित्य नित्रम इसमें क्या होता है पता आपको जो पैर है ना उससे अपने टोज से डांस करते करते पिक्चर बनाने की कोशिश की जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक बहुत, बहुत है जल्द चित्र नृत्यम प्लीज याद रखिएगा डांसर जो है ड्रॉज पिक्चर दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है प्लीज दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों प्लीज 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 मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों फेमस कौन कौन है राधा रेड्डी राजा रेड्डी यामिनी कृष्णमूर्ति इंदिरा रानी रहमान के नाम जरूर याद रखना दोस्त दोस्त दारू एक स्मॉल कॉम्पोजिशन दारू वो वाला दारू नहीं वो वहां की भाषा में दारू का मतलब कुछ और है दारू का मतलब क्या है दोस्त दारू दारू कई लोग बोलेंगे वो हिंदी में प्रेन्शिएट कर रहे हैं उसको तो दारू मुंह से निकल रहा है टी ए ए आर यू इसका मतलब क्या है स्मॉल कॉम्पोजिशन है जैसे आप आ जाते हो तो मेरा नाम मेरा नाम क्या है मेरा नाम प्रशांत है तो वहां पर हर कैरेक्टर अपने आप को एक स्मॉल कॉम्पोजिशन और डांस फॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस करता है तो जो इंट्रोडक्शन है वो जो उस प्रोसेस को बोलते हैं ठीक है 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 क्लियर है किशोर? क्लियर किशोर तो कुचिपुडी हो गया भरतनाट्यम हो गया अब आ जाते हैं कथक कली के ऊपर में कथक कली कथकली है ना कथक कली आप सभी ने देखा होगा फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों इसको दोस्तों इसके दो फॉर्म रामनट्टम और कृष्णट्ट राम जी से रिलेटेड और कृष्ण जी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा रामायण और महाभारत को नरेट किया जाता है इसके अंदर में और कथक कली कहाँ से रिलेटेड है केरला एरिया जरूर याद रखो दोस्तों साथ में मेरे केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला में आ गए केरल ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों कथक कली कथा मीन्स कथा क्या होता है कथा मतलब क्या होता है कथावाचक स्टोरी सुनाना कली मीन्स ड्रामा तो कथक कली वहां से निकल कर आया दोस्तों ठीक है दोस्तों ठीक है क्लियर है ठीक है 1930 के अंदर में जो एक मलयाली पोएट थे वी एन मैनन साहब इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा साउथ के अंदर में अगर वहां के जो पुराने डांस फॉर्म है उनको सभी को अगर करते हैं तो उसके अगर जब भी जिक्र होता है तो वी एन मैन साहब का बहुत ज्यादा जिक्र होता है दोस्तों उन्होंने बहुत ज्यादा इसको रिवाइव किया कथकली और सारे के सारे डांस फॉर्म को दोस्तों ठीक है दोस्तों क्लियर है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉप्स प्रॉप्स का मतलब आसपास की सामग्री का यूज नहीं होता फेशियल एक्सप्रेशन से सब कुछ होता है हेड गियर आपने देख ही लिया सर पर कैसे पहन रखा है उसके थ्रू सारा का सारा डांस होता है इसके अंदर ठीक है दोस्तों और हेड गियर हर किसी के लिए अलग अलग होता है दोस्तों अब कलर का भी अलग अलग मतलब है जैसे ग्रीन क्या इंडिकेट करता है नोबिलिटी बड़प्पन देवत्व सदाचार ठीक है ये ये चीज शो करता है रेड पैचेस जो होते हैं ठीक है रेड पैचेस जो होते हैं वो रॉयल्टी रॉयल्टी को इंडिकेट करते हैं जो ब्लैक कलर यूज होता है वो एविल को डिनोट करता है ठीक है बुराई को और येलो कलर क्या होता है संत और वुमेन के लिए होता है देखिए सोचो पुराने जमाने से दोस्तों हम पुराने जमाने से हमारे यहाँ का कल्चर कितना रिच है कि हम संत और औरतों को बराबर मानते इस लेवल का सम्मान देते लेकिन जो कहते हैं ना पुरानी पुरानी चीजें नहीं वो पोए ना, ना पुरानी चीजें आते, आते आते ऐसा हो गया कि इसमें कई सारी भ्रांतियां पैदा हो गई बट ओरिजिनली हमारा जो कल्चर था दोस्तों वो इतना ज्यादा खराब नहीं था जितना इतना ज्यादा हमें डिपिक्ट किया जाता है दोस्तों ठीक है प्लीज याद रखिएगा जो कंप्लीटली रेड फेस अगर किसी का पेंट कर दिया जाए तो उसको एविल माना जाता है ठीक है व्हाइट बियर्ड सफेद दाढ़ी अगर हो तो किसी की उसको डिविनिटी हाई कॉन्शियसनेस है उसके अंदर में हाई कॉन्शियसनेस है ये सारी चीजें शो करी जाती है प्लीज कलर को याद रखिएगा दोस्तों ठीक है क्लियर है क्लियर है दोस्तों और यहां पर जो लैंग्वेज यूज होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन कथक कली में जो लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं मनी प्रबलम क्या बोलते हैं मनी प्रबलम दोस्तों क्या बोलते हैं मनी प्रब्लम ये किसका मिक्सचर है मलयालम प्लस संस्कृत इन दोनों का मिक्सचर होता है ये जो डांस फॉर्म होता है इसके अंदर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसको बोलते हैं ये मनी प्रबल प्लीज याद रखिएगा प्लीज याद रखना यानी कि मलयालम और संस्कृत का मिक्सचर दोस्तों प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस इसके अंदर कौन कौन थे दोस्तों गुरु कुचु गोपीनाथ कोट्टल शिवरामा जी रीता गांगुली जी इसके प्रोमिनेंट नाम है प्लीज याद रखिएगा दोस्तों

अभी हमने क्या किया केरला का कथक कली मोहिनीअट्टम केरला ठीक है प्लीज मोहिनी मन को मोह लेने वाली ठीक है दोस्तों मोहिनी प्लीज याद रखेगा मोहिनीअट्टम प्लीज ये वर्ड्स मैं इसीलिए इन चीज़ों को यहां पर कर रहा हूं कि आप सबको चीजें याद रहे दोस्तों स्वाति थिरुनल नाइनटीन सेंचुरी में इस इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पर भी मलयाली पोएट वी एन साहब का जिक्र होता है उन्होंने इसको क्या नाम है कल्याणी अम्मा जी के साथ में मिलकर हुआ था दोस्तों ठीक है तो और अब क्या बात है क्या बात है दोस्तों ठीक है तो ये इसके अंदर बहुत सारा एलिगेंस होता है बहुत सारा ग्रेस होता है ठीक है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा इसमें फुट वर्क जो होता है पैरों के जो पोजिशन होती है वो बहुत ज्यादा और मतलब मैं कैसे समझाने की कोशिश करूं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो ये फुट है ऐसे करके इसकी फुट की जो मूवमेंट है फुट स्टेप है वो बहुत ज्यादा थंपिंग समझ रहे हो ना समझ रहे हो वो बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर ठीक है तो ये बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर में प्लीज याद रखिएगा मोहनी अट्टम जेंटल वर्क होता है इसके अंदर में काफी ज्यादा ठीक है ठीक है दोस्तों और किसकी स्टोरी नरेट होती है विष्णु की मैं दोस्तों हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ हाथों के फॉर्म से हाथों के जेस्चर से जिससे आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से याद रह जाए वो चीज़ याद रह जाए वो चीज़ ठीक है ये मैं याद रह जाए इसलिए कोशिश करता रहता हूँ हर समय पे ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े दोस्तों ठीक है चलिए तो फीमेल डांसर होते हैं इसमें मेनली परफॉर्म किया जाता है फीमेल डांसर के द्वारा मोहिनीटम मोहिनीअट्टम दोस्तों एयर को सिम्बोलाइज करता है क्या करता है एयर को सिम्बोलाइज करता है मोहिनी मन को मोह लेने वाला अगर आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है मन को मोहने वाला इसके अंदर दोस्तों चालीस अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होती हैं हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है प्लीज याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि एक एक मूवमेंट याद करने बैठ जाओ और ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है सुनंदा नायर कलमदलम मेथी माधुरी अम्मा ठीक है मैन साहब ये सारी की सारी चीज़ें नाम याद रखिएगा दोस्तों ठीक है प्लीज याद रखिए इस चीज़ के लिए अब आज आते जाते हैं ओडीसी के ऊपर में ओडिसी नाम से पता चला गया ओडिशा से रिलेटेड है ठीक है दोस्तों और नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र था ओड्रा ओड्रा नृत्य ओड्रा नृत्य ठीक है इसको नाट्य शास्त्र के अंदर बोलते थे ठीक है प्लीज याद रखिएगा वहां से आया है ओडिशी कहां पर है उड़ीसा के अंदर में तो प्लीज याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये जो पहले शुरू शुरू में किया जाता था महिरीज हुआ करते थे कैन किंग खेरा के समय पे एक खेरा वाला राजा हुआ करते थे उस समय पे वहां पर क्या जाता था फिर बाद में उनको गोतीपुआज बोला गया फिर उसके बाद में इनको नरतला बोला गया जो रॉयल कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहते थे बस ये नाम याद रखिए ठीक है दोस्तों नाम याद रखिए सारे के सारे ठीक है और ये क्या है सिमिलर है भरतनाट्यम के जैसा क्योंकि मुद्रा और पोस्चर और एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम लगते हैं इसके अंदर इस में बस कुछ इसमें पोजिशन अलग अलग है एक अगर त्रिभंग पोस्चर अगर किसी ने देखा होगा तो बॉडी को हम क्या करते हैं Structure में ऐसे 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 त्रिभंग पोस्टर त्रिभंग पोस्टर और एक आता है चौक पोस्टर ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों दोनों के दोनों याद रखना त्रिभंग पोस्टर और चौक पोस्टर प्लीज याद रखना ये दोनों किससे रिलेटेड है ओडीसी से रिलेटेड है प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है दोस्तों कलर एग्जैक्ट सेम नहीं है कलर एग्जैक्ट सेम नहीं है बस थोड़े से मतलब ये स्टेप्स में म्यूजिक में इन सब चीज़ों में सेम है ऑलमोस्ट ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों तो ये प्लीज़ याद रखिएगा ये हम बाकी वामिल बहुत डिटेल में तो नहीं कर सकते कि कलर एक, एक लग, आप भी समझते हैं सारी की सारी चीज़ें हमारे लिमिटेड है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना सारी की सारी चीज़ों को इसमें ग्रेसफुलनेस सेंचुअलिटी ब्यूटी ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें और ज्योमेट्रिकल शेप्स ये देखिए दोस्तों डांस में ज्योमेट्रिकल शेप्स डांस में

फिर पल्लवी के अंदर में क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ठीक है हरी के अंदर में क्या होता है प्योर डांस होता है बिफोर कंक्लूजन कंक्लूजन होने वाला है उससे पहले जो हिस्सा बोला जाता है उसे हरी बोला जाता है हरी ठीक है नहीं बफर तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल में बफर तो नहीं हो रहा और अभी मैंने बताया था मोहिनी आटम किसको बताता है एयर एयर और उड़ीसी डांस किसको बताता है दोस्तों वाटर क्यों ऐसे याद कर लो दोस्तों ऐसे याद कर लो बिल्कुल साथ में ओडिशा के पोस्ट पे सबसे पहले घेर माथा लगा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल डांस पानी साथ किसको वाटर को बताता है फेमस नाम याद रखिए गुरु पंकज चरणदास जी गुरु केलू चरण जी ये सारे के सारे नाम याद रखिएगा दोस्तों ठीक प्लीज है प्लीज़ याद रखिएगा अंदाज ठीक है दोस्तों क्लियर है बफर हो रहा है बीच बीच में बफर हो रहा है क्या अभी भी हेलो 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 अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है तो बताइए दोस्तों चलिए अगला जो आता है अगला जो आता है अगला हम करने वाले हैं मणिपुरी ठीक है मणिपुरी 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 डांस करने वाले अब ठीक है चलिए मणिपुरी डांस कहां से रिलेटेड है मणिपुर से रिलेटेड आप सभी को पता है इसके अंदर में शिव जी से रिलेटेड और पार्वती जी से रिलेटेड गंधर्व जो लोकल होता था उससे वहां से है प्लीज याद रखिएगा मणिपुरी और किससे रिलेटेड शिव जी और पार्वती जी प्लीज याद रखिए ठीक है मणिपुरी मणिपुर के अंदर में ठीक है क्लियर है मणिपुर के अंदर में ठीक है फिर धीरे धीरे क्या हुआ डांस परफॉर्मेंस और अच्छा चलता है इसमें वैष्णविज्म भी आ गया क्या आ गया वैष्णविज्म वैष्णविज्म के अंदर क्या आ गया कृष्णा जी इसके सेंट्रल थीम बन गए ठीक है दोस्तों और ये जो है जनरली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है फीमेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है ये जनरली फीमेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है प्लीज याद रखिएगा दोस्तों ठीक है और मॉडर्न टाइम में अगर आए तो राजभाग चंद्रा मणिपुर के थे इन्होंने रिवाइव किया था मणिपुरी डांस को और रविंद्रनाथ टैगोर उनका भी इससे रिलेशन है दोस्तों ठीक है दोस्तों उन्होंने शांति निकेतन के अंदर में इस डांस फॉर्म को इंक्लूड किया था दोस्तों प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा ठीक है मणिपुरी मणिपुरी याद रखिएगा ठीक है इसके अंदर मणिपुरी डांस के अंदर में सबसे बड़ा क्या है डिवोशन भगवान के ये समर्पित कर दिया है दोस्तों सबसे ज्यादा मतलब कामुकता कह कामुक्ता कहते सेंशुअलिटी किसी को अट्रैक्ट करना उन सब चीजों की जगह पे क्या है यहाँ पर हमने ज्यादा फोकस किया है डिवोशन की तरफ में, भगवान की तरफ ठीक है इसमें तांडव और लास्ट से दोनों के दोनों है दोस्तों ठीक है दोस्तों? दोस्तों प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों क्लियर है ठीक है हाँ तांडव और प्रेम रस दोनों मैंने बताया आपको दोनों चीज इसके अंदर में फिर नाग बंध मुद्रा इसके अंदर में बहुत ज्यादा फेमस है इसके अंदर में पूरे शरीर को आठ की शेप में बनाने की कोशिश की जाती है कर्व करके ठीक है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा बंध मुद्रा शेप ऑफ एट बनाने की कोशिश की जाती है रास लीला राधा कृष्ण जी की लव स्टोरी इसके अंदर की जाती है प्लीज याद रखिएगा इन चीजों ठीक है मणिपुरी हो गया किसी को कोई डाउट हांगता संकीर्तना मार्शल आर्ट थ मार्शल आर्ट फेमस कौन कौन है झावेरी ब्रदर सिस्टर्स जो हैं नयना सुवेरना रंजना दर्शना गुरु विपिन सिंघा जी ये सबके सब इसके फेमस हैं दोस्तों ठीक थी? ठीक है दोस्तों क्लियर है अगर ज्यादा ही बफर हो रहा है मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए अब हम आ गए हैं लास्ट पर आ गए हैं मैं भी मैंने भी अपने सामने ओपन कर रखा है दरअसल मैंने भी अपने सामने ओपन कर रखा है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है दोस्तों बफर होता हुआ अगर हो रहा होता तो मैं तुरंत कर देता ठीक है दोस्तों मैं खुद से हर टर्म समय मैंने ओपन कर रखा है कि चेक करता रहा हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं अब आती है कथक तो ब्रज भूमि पर रासलीला का जो फॉर्म है उसको बोलते हैं कथक उत्तर प्रदेश में उत्तर उत्तर प्रदेश में आ उत्तर प्रदेश में में ठीक है तो और जो जो स्टोरी टेलर होते हैं उनको कथिका कथिका को स्टोरी टेलर जो होते हैं वहां पे म्यूजिक होता है एप मिलाकर बनाया गया और कथक किससे रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है प्लीज याद रखिएगा ठीक है यूपी ठीक है दोस्तों और मुगल एरा में इसके अंदर में क्या हुआ था बहुत तगड़ी ऐसे अदाकाराए और वो सारी की सारी चीजें आई इसमें पर्शियन कॉस्ट्यूम्स ऐड हो गए थे डांसिंग स्टाइल इसके अंदर में पर्शियन यानी कि जो मुगल लेकर आए थे अपने साथ में वो चीजें हो गई थी दोस्तों ठीक थी? चलो ठीक है मैं आ, मैं मैं एक काम करता हूं। ये वाला हाँ मैं समझ गया समझ गया नहीं स्टक हो रहा है मेरे पे भी स्टक हुआ अभी जस्ट शायद मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है इंटरनेट में कोई इशू हो रहा है ये वाला कथक वाला पोर्शन है कल वाले को इसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें कथक वाले पोर्शन को कल मैं ऐड कर लूंगा क्योंकि ये लास्ट था कथक और इसके बाद में एक और था बस खाली सत्रिया ठीक है वो डांस दो फॉर्म थे बाकी ये कंप्लीट हो चुका है इसको हम कल कर लेंगे हाँ समझ गया मैं समझ गया दोस्तों बता तो दिया कि कल करेंगे इसे कल करेंगे कल करेंगे ठीक है कल करेंगे और मैंने आपको बोला है कि दो सेशन में इसको हम निपटा देंगे ठीक है दोस्तों तो अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़िए मैं मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पढ़ाई का नुकसान हो किसी भी तरीके से ठीक है कि कि कंप्लीट करने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी बस कंप्लीट कर दूं, मैं चाहता हूं आपको सीखने को मिले तब तक, तक ये सारे का सारा रिवाइज कर लेना और पीडीएफ में शेयर कर दूंगा पढ़ लेना ठीक है मिलते हैं अगले सेशन में बाय बाय